मजमा उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह मेरे अंदर शेर खुदा की ताकत है। और कह दिया अली का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा, जहां देखो वही शेर खुदा मालूम। जब मुकाबला हुआ दोनों का, इमाम गाजी कासिम ने क्या कहा, हजरत कासिम ने क्या कहा, हे अर्जक पहलवान तेरी पहलवानी का शोहरा अरबों अजम में है, लेकिन आज मुझको मालूम हुआ कि तुम इस लाइन का खिलाड़ी नहीं बल्कि अनारी हो। जिस घोड़े पे तुम बैठे हो उसकी रस्सी ढीली है, पहले घोड़े की रस्सी को कसो उसके बाद मुझसे मुकाबला करना, इतना कहना है। चूही पहलवान सर को झुकाकर रस्सी की तरफ सर को झुकाकर देखता है, हजरत कासिम ने तलवार उठाई और उसके तन को सर से जुदा कर दिया और एक ही आन में उसे भी जहन्नम में पहुंचा दिया और बता दिया कि तू भूखे है तो क्या हुआ, प्यासे है तो क्या हुआ, अरे हिम्मतें लड़ है तादाद से क्या होता है। कासिम उस वक्त भी बता रहे थे या अम्माहु अलतश अलतश, ए चाचा जा मुझे पानी का एक कतरा मिल जाए, अगर पानी का एक कतरा मिल जाएगा तो 40,000 यजीदियों के लिए हसन का बेटा ही काफी है। कह दिया अगर पानी का एक कतरा मिल जाए तो 40,000 के लिए हसन का एक बेटा ही काफी है। सुभान अल्लाह, ये है मौला अली के घर। अगर मुकद्दर में जामे शहादत न होता, अगर मुकद्दर में ये मामला न होता तो मेरा कासिम ही काफी था, अली अकबर ही काफी थे, यहाँ तक कि औनो मोहम्मद मेरे अली असगर ही काफी थे। और इमाम हुसैन ने फाना और बका का मतलब बता दिया, आखिरी जुमला बोलकर अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हो कि साबिर पाक के फाना और बका, फाना और बका तो बहुत सुन रहे हैं लेकिन जहां से फाना और बका की शुरुआत हुई है वो मेरे हुसैन पाक से है। जो लाश करबला में है और एक जो नेजा पे कुरान की तिलावत कर रहा है, बता दिया फाना उसको कहते हैं, बका इसको कहते हैं, और उसी जलवे को उसी मंजर को कलियर की धरती पे साबिर पाक ने बता दिया कि मेरे हुसैन का आलम यह था जो बका है, फाना तो करबला में शहीद हो गई और बका यही है जो तलवार के नेजे पर भी कुरान पढ़ता है। और जब नहरे फरात के पानी बंद करने की बात आई, कहा कि पानी पे हुकूमत की बात करते हो, अरे यहाँ मुकद्दर में जामे कौसर का पानी लिखा जा चुका था, वरना हाल ये था कि जब हिंदुस्तान की धरती पे गरीब नवाज आए हैं, जब पानी को बंद कर दिया गया तो आपने कटोरा दिया, जा ए मेरे खादिम आना सागर से कहना तुझे खाजा बुला रहे हैं। हुक्म पाते ही आना सागर का सारा पानी कटोरे में आ गया। ए बैल बांस वालों फैसला करो कि जब हुसैन का गुलाम का गुलाम का गुलाम का गुलाम का पावर का ही आलम है कि पूरे आना सागर को बुला दिए, अगर मेरा हुसैन चाहता तो पूरी दुनिया के पानी को बुला देती। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। अरे करबला के बाद इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। और इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। उमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम अलैकुम। कि कौनेन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनेन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, नबियों के ताजदार है नाना हुसैन का, एक पल जहान में थी हुकूमत यजीद की, अरे सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन, सदिया हुसैन की है जमाना हुसैन का है। और किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार
अब तो हो लेने दो। मचलकर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमाज के बाजू बढ़ाइए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और अल्लामा हसन रजा बरेलवी कहते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को बता दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, इल्म का चट्टान हक्कानियत की पहचान, साहिबे कनजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान कहते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, रकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात है रजा उच्चौनिस्ताने करम की, अरे जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। और आला हसन कहते तेरी नस्ले पाक में है, वाह वाह वाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत आप सद मुबारकबादी के लायक है और दिल की अतः गहराई से हम लोग मुबारकबादी पेश कर रहे हैं कि आप शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करके आप बारगाहे इमाम हुसैन में आपने खिराजी अकीदत पेश किया है। मौला हुसैन के सदके में हम सबको जन्नती बना दे सुबह, माशाल्लाह। मैं हुसैन की बाबा की शान में एक दो शेर सुना रहा हूँ। नकीब आजम हिंदुस्तान की मोहब्बत मिल रही है। शायर ने लिखा है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अली अली बोलिए, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, गर बोले तो लगता है कुरान अली है, और कुरान तो देता है हमें दावते ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और बहुत ही प्यारा शेर, ये उम्मते सरकार न मिटी है न मिटेगी, ये उम्मते सरकार, कुछ लोग चाह रहे हैं हम कुरान को मिटा देंगे, हम नमाज को मिटा देंगे, हम रोजा रखने वालों को मिटा देंगे, हम इस्लाम के शियार को मिटा देंगे, हम जलसा जुलूस को खत्म कर देंगे, हम हुसैन का नाम का नारा ना लगने देंगे, लेकिन उनको बता दो ये उम्मते सरकार न मिटी है न मिटेगी, ये उम्मते सरकार न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहवान, निगहबान अली है। और एक बड़ा प्यारा शेर है, पीछे वाले हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस बागे नबुवत की कली फातिमा जहरा, इस बागे नबुवत की कली फातिमा जहरा, हसनैन दो फूल हैं गुलदान अली है, हसनैन है दो फूल गुलदान अली है। और एक शेर अल्लामा मुफ्ती शमीमुल कादरी साहब, जो एक बेहतरीन आलिम दीन भी है और बेहतरीन आमिल भी है, और माशाल्लाह इल्मो अमल और सलाहियत के कुहे हिमालय भी है सुभान, हजरत की मोहब्बतें मिल रही है। मैं शमए शबिस्ताने विलायत कहूँ किसे, बड़ा प्यारा शेर है, मैं शमए शबिस्ताने विलायत कहूँ किसे, दिल बोल उठा, दिल बोल उठा शमाए शबिस्ताने अली है, और हर एक यजीदी से कहो, हर एक यजीदी से कहो ए हाशमी खुलकर, हर एक यजीदी से कहो ए हाशमी खुलकर, मेरी शान अली है मेरी जान अली, मेरी पहचान अली है। हजरात ये इमाम हुसैन की महफिल है,
और इमाम हुसैन ने हमें जो पैगाम दिया है वो सबसे बड़ा पैगाम क्या था कि इमाम हुसैन ने हमें ये पैगाम दिया, ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, मेरे नाम का जलसा कराने वालों, मेरे नाम पे हाथ उठाने वालों, मेरा पहला पैगाम यही है और आखिरी पैगाम यही है कि इस्लाम के लिए अगर जान की बारी आए तो जान दे देना, इस्लाम को बचाने के लिए औलाद की बारी आए तो औलाद दे देना, इस्लाम को बचाने के लिए भाई की बारी आए तो भाई को दे देना, इस्लाम को बचाने के लिए औलाद की बारी आए औलाद को दे देना, और जब इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान की बारी आए तो मेरी जान को याद कर लेना और यही कहना मैं इश्क़े नबी के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे दूसरी उतार, जो जान मांगो तो जान देंगे, जहान मांगो जहान देंगे, ये न हो सकेगा हमसे कभी, नबी का चाहो जलाल देंगे। और हुसैन ने हमें जो पैगाम दिया, चलते चलते हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया, ए हुसैनियो, सच्चे हुसैनी उसी वक्त होगे कि जब तुम मेरे नक्शे कदम पर चलोगे, क्योंकि हुसैन ने पैगाम दिया कि जब अजान हो जाए तुम्हें मोहल्ला की मस्जिद मिल जाए वहां नमाज पढ़ लेना, जुमा मस्जिद मिल जाए वहां पढ़ लेना, शहर की मस्जिद मिल जाए वहां पढ़ लेना, देहात में रहो वहां पढ़ लेना, खेत में हो वहां पढ़ लेना। और इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया मस्जिद नबी शरीफ में हो तो वहां पढ़ लेना, खाना काबा में हो तो वहां पढ़ लेना, बैतुल मुकद्दस में हो तो वहां पढ़ लेना, लेकिन जहां तेरी गर्दन तलवार के नीचे हो, सर पे तलवार हो तो मेरे सजदे को याद करके कहना, न मस्जिद में न बैतुल्लाह के दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हैदरलामा मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब क़िबला मिसबाही, सारा मजमा हाथ उठा करके या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह हमारे शहबाज भाई ने जो माहौल बनाया इंशाल्लाह उनके ही इंतजार में है, और क्यों ना हो मोहब्बत रसूल सुभान अल्लाह। ये शायरी तो इतनी बड़ी चीज है, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस शायरी को मेरे आका ने सुना है सुभान अल्लाह, वो शायरी में क्यों नहीं चाशनी हो, क्यों नहीं दम हो, क्यों नहीं खम हो, क्यों नहीं उसमें रूहानियत हो। अरे सुनाने वाले हसान थे और सुनने वाले आमना के लाल थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जरूर सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी समात है, लेकिन मैं मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता चलो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हो, आज मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ बैलवास वालों, एक गुरबत जवार किसे आए हुए इस कॉन्फ्रेंस जलसा में, अगर कोई आपसे ये पूछे कि अल्लामा उबैदुल्ला कादरी साहब बार बार ऐलान कर रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हसन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बताओ कि हुसैन कब पैदा हुए थे, हुसैन कब शहीद हुए हैं, हुसैन ने कितने साल की उम्र पाई है, हुसैन ने हमें क्या पैगाम दिया है, तो आप क्या बताएंगे। हजरते मोहतरम मैं आपको बताता चलो, मेरा हुसैन कब पैदा हुआ है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तारीख बता रही है, तारीख के तमाम किताबों में आया है कि मेरा हुसैन 5 शाबान को सन 4 हिजरी में मदीना शरीफ में हजरत फातिमा के घर पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन उलमा किराम बैठे हैं, सदर जलसा अल्लामा हशमत अली मिसबाही बैठे हैं, मैंने इन उलमा की मौजूदगी में कहा, ए मेरे हुसैन पाक, आलम तसव्वुर में मैंने एक सवाल किया, ए मेरे हुसैन पाक, आप 5 ही शाबान को क्यों पैदा हुए, आप 10 शाबान को आते, आप 20 शाबान को होते, 25 शाबान को आते, लेकिन मेरे हुसैन कह रहे हैं 5 शाबान में आने में भी हिकमत है, इसमें भी मसलहत है। मैंने कहा कौन सी हिकमत है, तो मेरा हुसैन ने कहा बताओ कि रात और दिन में कितने वक्त की नमाज पढ़ते हो। मैंने कहा 5 वक्त की नमाजें फर्ज है। इमाम हुसैन ने कहा बताओ इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है। मैंने कहा 5 चीजों पर है। इमाम हुसैन ने कहा पंजतन लोग सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं। मेरा हुसैन ने बताया कि 5 तारीख में इसलिए आ रहा हूं कि जब करबला के मैदान में इस्लाम के 5 अरकान को गिराया जाएगा, मिटाया जाएगा, जब इस्लाम नमाज रोजे हज पे हमले किए जाएंगे, तो 5 शाबान में आने वाला, 5 तारीख में आने वाला इस्लाम के 5 अरकान को बचाकर कहे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जहान मांगो जहान देंगे, ये न हो सकेगा हमसे कभी, नबी का चाहो जलाल। इसीलिए मेरे हुसैन, आपको मालूम हो गया ना कि मेरे हुसैन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 5 शाबान सन 4 हिजरी।
अल्लाह अकबर। जब मेरे हुसैन दुनिया में आए, पीरे तरीका सबकी मोहब्बतें मिल रही है, शायर अहले सुन्नत साबिर रजा साहब, ये सारे उलमा बैठे हैं, हजरात मैं आपको एक जुमला बताऊं। जब मेरे हुसैन दुनिया में आए, खबर मिली मुस्तफा आए, आने के बाद चूमा, मोहब्बत किया, लेकिन एक जुमला आपको बताऊं कि जब हुसैन की विलादत की खबर मुस्तफा को मिली तो मुस्तफा ने आकर चुमा भी, अजान भी और इकामत भी, ये दोनों बातें हो गई। अब मुस्तफा मुस्कुरा रहे थे, सारा घर वाले मुस्कुरा रहे थे, अब भी मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। अली का घर, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए गौहर साहब, सुभान अल्लाह। अली का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा, जहां देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। माशाल्लाह चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब मेरे आका मुस्कुरा रहे थे, सारा घर वाले मुस्कुरा रहे हैं, हजरत फातिमा भी मुस्कुरा रही है, मौला अली भी मुस्कुरा रहे हैं, हजरत जुवेरिया भी मुस्कुरा रही है, ज़ैनब भी मुस्कुरा रही है, हजरत आयशा भी मुस्कुरा रही है, उम्मे हबीबा उम्मे सलमा भी मुस्कुरा रही है, यहाँ तक कि अबू बकर भी मुस्कुरा रहे थे, हजरत उमर भी मुस्कुरा रहे थे, उस्मान गनी भी मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक लाल पैदा हुआ है, इसी दरमियान जिब्रील अमी आते हैं और आने के बाद कहते आका, जिस बच्चे को आप अपने सीने से लगाए हुए हैं, आप सारे घर वाले मुस्कुरा रहे हैं, इसी बच्चा को करबला के मैदान में आपकी उम्मत बेदर्दी के साथ शहीद कर डालेगी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना सुनना है मेरे आका कहते हैं कि जो मेरे आका के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, और जिब्रील ने कहा आपकी उम्मत ही इस बच्चे को शहीद कर डालेगी करबला के मैदान में, मेरे आका का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, आंखों से आंसू के कतरात बहने लगे। जब मुस्तफा रोने लगे तो सारे घर वाले रोने लगे। लोगों ने पूछा आका अभी तो मुस्कुरा रहे थे, अभी क्यों रो रहे हैं, आंखों से आंसू के कतरात क्यों गिर रहे हैं? तो मेरे आका ने कहा जिब्रील अमी आए थे, ताहिरे सिदरा आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे, उन्होंने पैदाइश के साथ साथ इमाम हुसैन की शहादत की खबर भी ला दिया। लेकिन ए बैलवास वालों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे आका का कमाल तो देखिए कि जिसे चाहे जो अता कर दे। मुस्तफा अगर किसी नशिस्त में चला जाए, वहां जितने लोग बैठे उसको जन्नती बना दे, अगर जानवर आए तो उसे उसके भी हाल पर मुस्तफा को तरस आ जाए, अगर उंगली का इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज को बुला दे, अगर उंगली का इशारा कर दे तो चांद जिधर जिधर उंगली घुमाए आसमान का चांद को घुमा दे। अरे मुस्तफा का आलम तो यह है, मुस्तफा के पावर तो यह है, जिनकी नकाशी हुजूर ताजु शरिया लमा अख्तर रजा खाजरी मियां कहते हैं, जहां बानी अता कर दे, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमा कर दे, सुरैया को सला कर दे। और मुफ्ती आसम हिंद कहते हैं, मेरे आमाल सियाह ने किया, जीना तो भर जहर पीता, तेरे इरशाद ने खाने न दिया। और आला हजरत के बेटे कहते हैं, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, अरे मैं तो चाहता मेरे सरकार ने जाने नबी का इख्तियार जो चाहे कर दे। लेकिन मेरे आका ने ये नहीं कहा, ए परवरदिगार मेरे इस बेटे को उस मुसीबत से बचा ले, मेरे लखते जिगर को उस सानहा से बचा ले, नहीं, बल्कि मुस्तफा ने कहा और सारे घर वालों ने कहा कि जब ये मुसीबत की घड़ी आए, जहां लाश पे लाश गिरे, बेटे की लाश, भाई की लाश, भांजे की लाश, भतीजे की लाश, अंसारों अवान की लाश, जहां मददगारों की लाशें हो, जहां सबकी लाशें हो, मेरे हुसैन को सब्र देना, मेरे हुसैन को बदला देना, ताकि दुनिया यही कहे कि नबी का नवासा ने अपने नाना के दीन को बचाकर मिसाल कायम कर दी कि कयामत तक के इस कदर मुसीबत झेलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मेरे आका ने कहा परवरदिगार उसे सब्र देना, बदला देना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिब्रील ने जो शीशी दी थी, या तारीख में आया है कि करबला की मिट्टी दी, और उस मिट्टी को हजरते
मेरे आका ने उम्मे सलमा को दे दिया। किसको दिया? उम्मे सलमा को। थोड़ी सी तवज्जो इधर मरकूज करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो मेरी तरफ आप करें। अल्लाह अकबर, मेरे आका ने उम्मे सलमा को दे दिया। उलमाए किराम बैठे हैं, हजरते खदीजा के अलावा आपकी सारी बीबियां मौजूद थी। सबसे चहेती सबसे प्यारी बीबी हजरते आयशा सिद्दीका थी, हजरते जुबैरिया है, मारिया कब्तिया है, हजरते जैनब है, उम्मे हबीबा उम्मे सलमा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि आपकी बेटी फातिमा भी है, हजरते अली भी है, अबू बकर भी है, उस्मान भी है। मेरे आका ने करबला की मिट्टी किसी को नहीं दिया बल्कि उम्मे सलमा को दे दिया। तारीख बता रही है कि उम्मे सलमा को देने में हिकमत क्या है। मेरे आका ने यह कहा, ए उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना कि जिस दिन मेरा बेटा करबला में शहीद हो जाएगा, ये मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि ये मिट्टी खून बन जाएगी। मेरे आका ने और बीवियों को नहीं दिया, हजरत आयशा को नहीं दिया, हजरत जैनब को नहीं दिया, हजरत उम्मे सलमा हबीबा को नहीं दिया, बल्कि दिया है तो उम्मे सलमा को दिया है। अल्लाह अकबर। आपने क्यों उनको दिया? आपकी सबसे चहेती बीवी हजरत आयशा थी। तो तारीख बता रही है, मुस्तफा का इल्म बता रहा है कि जब करबला सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को करबला जब कायम होगा, जहां एक तरफ यजीदी होंगे एक तरफ हुसैनी होंगे, तो मेरी सारी बीबियां फौत हो गई रहेंगी, मेरी सारी बीबियां इंतकाल कर चुकी रहेंगी। यहां तक कि अबू बकर भी न रहेंगे, उमर भी न रहेंगे, उस्मान भी न रहेंगे, बाबा अली भी न रहेंगे। यहां पता चला मेरे आका को ये मालूम है कौन कितनी उम्र पाएगा, कौन कितना दिन तक जिंदा रहेगा। इसीलिए तो मेरे आका ने उम्मे सलमा को दे दिया। आला हजरत कहते हैं, और कोई गैब क्या तुम स्नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। सारी बीबियां फौत हो चुकी रहेंगी। सन 61 तक के मुस्तफा की जितनी बीबियां थी सबके सब वो साल फरमा चुकी थी, सारी की बीबी सारी बीबियां इंतकाल कर चुकी थी। यहाँ तक के जितने आपके मशहूर सहाबा जो आपके चार यार हैं वो भी फौत हो चुके हैं। अल्लाह अकबर, ये मुस्तफा का इल्म गैब है। और एक बात मुस्तफा ने और कह दिया था, ए उम्मे सलमा, जब तक मेरा हुसैन शहीद नहीं होगा उस वक्त तक के तुम मर नहीं सकती है। पता चला 56 साल उम्मे सलमा की जिंदगी की जमानत आमना के लाल ने ले लिया है। कोई माइक किसी की जिंदगी की एक दिन की जमानत ले ले। अरे जमानत लेने वाले हैं तो आमना के लाल है, नबियों के सरदार है, सयाहे लामका है। यही तो वजह है कि हिजरत की रात मेरे आका ने अली की जिंदगी की गारंटी लेकर कहा था, ए मेरे अली, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। 40 तलवारें लेकर दुश्मन खड़े थे कि मुस्तफा निकलेंगे, काम तमाम कर दिया जाएगा, लेकिन मौला अली अगर इस जमाने के कोई और होते तो बिस्तरा छोड़कर भाग जाते। आका, यहां तो तलवार चलने वाली है, मौत सामने है, लेकिन मौला अली ने मुस्तफा के कौल फेल पर अमल करके कहा, ए मेरे आका, जब आपका हुक्म है, जब वापस मैं मदीना जाऊंगा तो कोई माई का लाल अली को कत्ल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज की रात अली की जिंदगी की गारंटी कोई और नहीं लिया है बल्कि आमना का लाल ने ले लिया है। मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता कैसे से जब खुदा ने बनाया। वो मौके हिजरत हो या जंगे उहुद हो, वो मौके हिजरत हो या जंगे उहुद हो, हर हाल में सरकार पे कुर्बान अली है। हजरत, यह है मेरे हुसैन। अल्लाह अकबर, शहादत की खबर तो सबको मालूम थी, बचपन जब हुसैन पैदा हुए उसी वक्त खबर मिल गई थी, लेकिन मेरे आका ने बता दिया कि जब इस्लाम पे अगर कोई हमला करेगा तो सबसे पहले अगर कोई कुर्बानी पेश करेगा तो मेरी आल है, मेरी औलाद है। सुभान अल्लाह, मुस्तफा की दुआ हजरत हुसैन के साथ थी, क्योंकि हजरत फातिमा जब हसन हुसैन को लेकर पहुंची थी और उन्होंने कहा, मेरे आका, आप तो सबको सब कुछ अता कर रहे हैं, मेरे लाल को भी अता कर दीजिए, तो मेरे आका ने हजरत हसन को अपना रोबो दबदबा अता फरमाया था, अपनी बुरदवारी अता फरमाई थी, और हजरत हुसैन को अपनी जुरात, अपनी शुजात और अपनी सखावत अता फरमाई थी। सुभान अल्लाह, ये मेरे हुसैन पाक है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी शान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को दिल से चाहा है। यहां तक कि तारीख बता रही है कि अगर मुकद्दर में जामे शहादत लिखा नहीं होता, अगर एक एक कर की शहादत अगर लिखा नहीं होता तो इन यजीदियों के लिए मेरा अली असगर ही काफी था, औनो मोहम्मद ही काफी थे। अब
अब्बास अलमबरदारी काफी थे। अरे करबला में तो जंगे बहुत हुई है, लेकिन करबला जैसी जंगे नहीं हुई है, लड़ाइयां नहीं हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये दास्ताने करबला बयान करने के लिए हिम्मत की जरूरत है, यहाँ हौसले की जरूरत है, सुनने के लिए भी हिम्मत की जरूरत है। दास जुल्म तो बहुत हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा जुल्म कहीं नहीं हुआ है। यहाँ तक के जुल्मों सितम के पहाड़ ठाए गए, लेकिन करबला में जितना जुल्म हुआ इतना बड़ा जुल्म कभी नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेरे आका की शान है। पढ़ लीजिए दुरूद पाक। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैन पाक से मेरे आका ने मोहब्बत किया है, और यहां तक के मुस्तफा ने कहा हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। आप समझते चले कि हुसैन को मुस्तफा ने प्यार किया, और जो मुस्तफा से प्यार करेगा वो खुदा से प्यार करेगा, और जो खुदा से प्यार करेगा वही जन्नत का हकदार है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा छोड़ रहे हैं, नमाज में तस्बीह बढ़ा रहे हैं। उलमा से पूछिए, मुफ्तियाने किराम से पूछिए कि अगर नमाज में किसी का ख्याल हम कर ले कि अल्लामा हशमत साहब मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, इनकी खातिर मैं लंबी सूरत पढ़ दूंगा या छोटी सूरत पढ़ दूंगा, इनका ख्याल आया नमाज फासिद हो गई। किसी इंसान का ख्याल नहीं, बल्कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन नबी की पुश्त पे आकर बैठ गए, और बैठने के बाद मेरे आका की आदत थी कि तस्बीह जब पढ़ते तो 17 मर्तबा, 11 मर्तबा, 21 मर्तबा, 3 मर्तबा, मुख्तलिफ रवायत है। लेकिन जब हुसैन पुश्ते मुस्तफा पे सवार हो गए तो मेरे आका ने अपनी तस्बीह को बढ़ाना शुरू कर दिया। मचलकर बोलिए सुभान अल्लाह। ख्याल किसका है? एक उम्मत का ख्याल है, और नमाज पढ़ने वाले कौन है? एक नबी है। आप इस बात को जहन में रखिएगा, एक तस्वीर पढ़ा, चार तस्वीर, 20 तस्वीर, 40 तस्वीर, यहाँ तक के 50, 60, 70, जब 72 तस्वीर मुस्तफा ने पढ़ी तो हजरत इमाम हुसैन पुश्त से नीचे उतर गए। कुछ लोग अपनी किताब में ये लिखते हैं कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए माज अल्लाह तो नमाज फासिद हो जाएगी। यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी होकर उम्मती का ख्याल कर रहे हैं, और एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा। इसी रवायत मनकूल है, बहरे कैफ यहाँ बताना ये मकसूद है कि जब नबी होकर उम्मती का ख्याल करे तो नमाज फासिद ना हो। वो नमाज कैसी है, वो इबादत कैसी है, वो बंदगी कैसी है, वो रियासत कैसी है जिसमें नबी का ख्याल ना हो। हमारा इमाम इश्को मोहब्बत ने फैसला कर दिया है, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। और आला हजरत ने कहा उन्हें माना उन्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। जब उम्मती का ख्याल नबी करे तो नमाज फासिद ना हो। और हम कैसी उम्मत है कि नबी का ख्याल कर ले तो नमाज फासिद हो? इसलिए हम कहते हैं तेरी इबादत तुमको मुबारक हो। अरे हम सुन्नी है, हमारी हर चीज में नबी की मोहब्बत शामिल है। अल्लामा इकबाल ने कहा था की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे है, ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम। इमाम हुसैन अल्लाह अकबर, शहादतें तो बहुत हुई है, लेकिन ऐसी शहादत आपने कभी नहीं सुना होगा, करबला की वो धरती। देखिए दुश्मनों की तादाद 40,000 है, यजीदियों की तादाद 40,000, और हुसैनी कितने हैं? सिर्फ 72 रुफों से खुदसिया है, जिसमें जवान भी है, बूढ़े भी है, बच्चे भी है, अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बावजूद हुसैनी रोबो दबदबा इस कदर गालिब था कि पहले 3 दिन तक के पानी को बंद कर दिया गया। क्यों? खाना को बंद कर दिया गया, दाना को बंद कर दिया गया, पानी तक के बंद कर दिया गया। वो समझ रहा था ये किसी और घर का शेर नहीं है, ये मौला अली का घर का शेर है। अरे इनके बाप की ताकत को दुनिया ने देखा था कि जब खैबर के मौके पे बात आई थी तो मौला अली ने एक हाथ में खैबर का किला उठाकर अपने पीठ पर रख लिया था। वो किला का
वजन कितना था मालूम है आपको? 800 मन का किला का दरवाजा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, यह है ताकत, ये शेरे खुदा के बच्चों की ताकत है। जब मेरे कासिम रन में निकले हैं और आपने कहा हल मिन मुबारिज, है कोई जो मुझसे मुकाबला करने वाला? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये 18-19 साल का नौजवान है जिसकी शक्ल देखने के बाद खुदा याद आ जाता है। अरे उनकी शान तो यह है, आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब कासिम ने ललकारा है कोई माई का लाल जो मुझसे मुकाबला करने वाले है? इमाम हसन की पगड़ी है और इमाम हुसैन का झुप्पा है। जब घोड़े पे सवार होकर आपने यजीदियों से कहा है कोई मुकाबला करने के लिए, लेकिन कोई मुकाबला में नहीं आ रहा है। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं आप, शेरे बबर की तरह करबला के मैदान में घूम रहे हैं। अमर बिन साद कह रहा है अरे कोई मुकाबले के लिए निकल जाओ, शिमर लईन कह रहा है कोई मुकाबले के लिए निकल जाओ, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है कासिम से मुकाबला करने के लिए। एक बहुत बड़ा पहलवान जिसकी पहलवानी का शोहरा मुल्क शाम अरब ईरान यहाँ तक के पूरी दुनिया में जिसकी पहलवानी का शोहरा था, जिस पहलवान का नाम अरजक था, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शिमर लईन ने कहा, अमर बिन साद ने क्या कहा, ए पहलवान आप तो इतनी पहलवानी का शोहरा है, तेरी शोहरत इतनी है, तुम इतना बड़ा मशहूर पहलवान हो, लेकिन मुकाबले के लिए क्यों नहीं जा रहे हो? वो पहलवान क्या कहता है कि मैं बच्चा के सामने में क्यों जाऊं? ये 18-19 साल का नौजवान है, इसके लिए मेरे 4-4 बेटे तैयार है। तारीख बता रही है कि अरजक ने कहा कि जा मेरे बेटे, एक मिनट में सर कलम करके लिया। जब अरजक पहलवान का बेटा मैदान में आता है, आने के बाद कहता है ए कासिम तू मुझको जानते हो मैं कौन हूँ? कहा पता तू कौन है? कहा मैं उस पहलवान का बेटा हूँ कि जिसके अंदर 1000 बहादुर की ताकत है। और कहा सुनो सुनो, मेरे बाप का शोहरा अरबो अजम में है, इतना कहना है। तो कासिम कहते हैं तुम जानते हो मैं किसका पोता हूँ, किसका बेटा हूँ? अरे मैं मौला ए कायनात मौला अली का पोता हूँ कि जिसके बाप जिनके दादा के अंदर इतनी ताकत थी कि मैदान में ललकार कर कह दे मर शेर हक मर दे, यानी कि एक मर्तबा ललकार कर कह दे अरे कोई मुकाबला करने वाला तो मैदान छोड़ करके भाग जाता था। अरे मैं उसका पोता हूँ कि जिसने 800 मन का किला का दरवाजा अपने हाथ में उठा करके कहा था अरे कोई मुकाबला करने वाला आ मुझसे मुकाबला करने के लिए। दोनों की बातें बढ़ती चली गई। हजरत कासिम और जबरसक का बेटा का मुकाबला होता है, हजरत कासिम ने ऐसी तलवार चलाई है कि उसका सर तन से जुदा हो गया, वो घोड़ा से गिरा। कासिम ने उसकी तलवार पे कब्जा कर लिया, घोड़ा पे कब्जा कर लिया, फिर कहा है आओ मुकाबले के लिए। दूसरा बेटा आया उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया, तीसरा बेटा आया उसको भी जहन्नम में पहुंचा दिया, चौथा बेटा आया उसको भी पहुंचा दिया। जब अरसक पहलवान ने इस मंजर को देखा कि 18 साल का नौजवान मेरे चारों बेटों को जहन्नम में पहुंचा दिया है, तो खुद पहलवान मैदान में आ गया और आने के बाद झिलमिलाता हुआ गुस्सा से कांप रहा है, जिस्म थर्रा रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कासिम के जब मुकाबले में आया है, अरसक पहलवान कहता है मेरे अंदर 1000 बहादुर की ताकत है। हजरत कासिम ने कहा कि सुनो सुनो, तेरे अंदर 1000 बहादुर की ताकत होगी, मेरे अंदर शेर खुदा की ताकत है।